तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हम ये आश्रम में रुके हुए थे। ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये गुप्त काशी है ना, गुप्त काशी में। और जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, वो जो बर्फीला देख रहा है ना, वो पहाड़ देखो, बर्फ ही बर्फ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा हम मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान लेने, क्योंकि यहाँ बहुत काफ़ी महंगाई है भाई। चाय 30 रुपए की देते हैं, हाँ, इसलिए गैस वगैरह लेने जा रहे हैं। और ये हमारे मुसाफिर साइकिल वाले हैं, इन्हीं के साथ अब हम यात्रा करेंगे पूरा। और थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो है, यहीं से हमको चढ़ना है ऊपर। और मैं बैक कैमरे से थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ जो है, देखिए, ये जो देखिए बर्फ़ पूरा ढका हुआ है पहाड़। और पूरी बर्फ़, रात को ज़्यादा ठंडी थी, इस वजह से लगता है बर्फ़ पूरा ढक गया है। और हम लोग थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, और ये देखो कितनी खाई है, और ये देवदार के वृक्ष, हाँ, और ये देवदार के वृक्ष हैं। देवदार के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर यही वृक्ष पाया जाता है, देवदार के, चीड़ और देवदार, हाँ, चीड़ और देवदार। तो और यहाँ ये ऐसा लोकेशन है, हम इसी मंदिर में आश्रम में रुके थे, और देख सकते हैं। और यहाँ बायो टॉयलेट वगैरह लगा है, और दिक्कत नहीं होती है किसी यात्री को, ये फ्री है और समस्या नहीं होती। आप आके रुकिए, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और यही रास्ता है, इधर से पूरा 5-10 किलोमीटर होगा ना, नीचे से ऊपर पूरा पहाड़ चढ़ना है भाई। बहुत खतरनाक चढ़ाई है। हमको तो कल पूरे एक टाइम लग गया, 4-5 घंटे चढ़ते हैं। पैदल और मोटरसाइकिल वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइकिल पे जो आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। साइकिल में जो आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, हालत खराब हो जाती है। खड़ी एकदम चढ़ाइए, 1.5 किलोमीटर 1 घंटे में पार हो पा रहा है। तो अगर आप बाइक या मोटरसाइकिल पे आते तो बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर साइकिल पे आते, सोच समझ के आना, अपना वजन जितना कम हो सके उतना कम लाना, हाँ भाई। और एक अच्छी साइकिल जो गियर वाली हो वो लाना, हाँ, पूरा। वैसे तो गियर वाली भी यहाँ काम करना छोड़ जाती है, काम करना छोड़ जाती है। पूरा सोन प्रयाग कब तक चढ़ाई ही चढ़ाई है। और ये देखो, यहाँ भी पूरा बर्फ जमा हुआ है, देखो ये पहाड़ भाई, लगता है कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं। देखिए पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से, और बादल नहीं है भाई, बर्फ की चादर है। हाँ, आप सोच रहे होंगे बादल है, बादल नहीं है, बर्फ की चादर है। और ये ऐसा लोकेशन है, और ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है यहाँ, आप आके रुक सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। आश्रम है तो आश्रम, नहीं पैसा है तो भाई पैसा से रुक सकते हैं। और हम लोग वो जो पीछे दिखाई दे रहा है रेड वाला, उस पर रुके हुए थे। चलिए ऐसे अपडेट कराते रहेंगे, नई नई जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम भाई साहब की दुकान में ये पन्ने लिए हैं, अब जा रहे हैं, वहाँ ज़रूरी पड़ेगा। और ये पंकज भाई साहब हैं, अभी पेमेंट डाला था तो फेल्ड हो गया था, तो दूसरे बार पेमेंट डाला। पंकज भाई साहब बोले कि हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये 500 रुपये की पड़ी है मेरा, हाँ, आनंद ट्रेवल ब्लॉग, हाँ, इनका हार्डवेयर का दुकान है, ये पूरा हार्डवेयर की दुकान है। तो चलिए, अच्छा लगा, ये ले लिए, कुछ कंसेशन भी कर दिया हमें, कंसेशन किए 40 रुपये। चलिए, दिल से धन्यवाद भाई। और ये पंकज भाई साहब हैं, और ये हमारे मुसाफिर साइकिल वाले भाई। चलिए, मुसाफिर यार है ना, घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, बस चलते जाना। ये गुप्त काशी का मार्केट है, ये पूरे मार्केट गुप्त काशी का भाई। और यहाँ से 33 किलोमीटर अभी जाना है गौरीकुंड, है ना।
37 घोड़ा सही ले रहा परीक्षा। तो देखो भाई यहाँ अच्छा लुक है, ये मंदिर ये रास्ता जाता है मैं अपने गुप्त काशी के लिए घूम के। हाँ ये मंदिर इधर से जो दिखाई दे रहा है गुप्त काशी है, इधर से ऐसे घूम के ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ना पड़ता है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। रिटर्न होके दिखाएंगे आपको, जैसे रिटर्न अभी तो हमारा मेन केदारनाथ भोलेनाथ की दर्शन करना है, वहाँ तक पहुँच जाए उसके बाद। हाँ वापसी में आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जगह जगह रुक कर, क्योंकि मेन अभी टारगेट वहाँ पहुँचना है हमें, ज़्यादा ज़रूरी है भोलेनाथ, बहुत याद कर रहे हैं। मौसम भी ख़राब हो रहा है ना, इसलिए सोच रहे हैं उधर से जल्द दर्शन करके भोलेनाथ को वापस लौटें। चलिए भाई अभी जा रहे हैं आश्रम में, शायद हो सकता है खाना पीना बन गया हो, और ये यहाँ कॉफ़ी लेना है, और ये अंकल जी का दुकान है, कॉफ़ी लेना है यहाँ। और सिलेंडर तो मिला नहीं, अब देख रहे हैं ले लूँ सूप लूँ सूप कॉफ़ी ले लीजिए, देखते हैं सोन प्रयाग में अगर मिल जाएगा तो लेंगे, नहीं तो भाई वैसे ही रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कितने की? 170। और प्लास्टिक में कांच में है? कांच में है, वो वाले नहीं हैं, प्लास्टिक वाले दे दीजिए। और ये कॉफ़ी है क्लासिक 175 रुपये का, ये तो हमारे किसी काम का नहीं, नुकसान हो जाएगा। इसी को ले लेते हैं, 175 रुपये है भाई। अभी 1000 की शॉपिंग किए, ये पूरे सामान लिए अंकल जी के हैं, और ये पूरे केदारनाथ ट्रिप का सामान है, यहीं से ले लेते हैं क्योंकि वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ सामानों की। सामान जोड़ रहे हो? थोड़ा सा सामान है, तीन चीज़ें बोले देखते हैं कितने से काउंट हो गया, चेक करिए चेक करिए। 125 दूध का, ठीक है। 175 कॉफी का, 30 रुपया ये, ठीक है। नेवला का, ठीक है। 351 रुपये तो फाइनली दोस्तों सब सामान ले लिए, ये पूरा सामान देख रहे हैं, ये दूध पाउडर और कॉफ़ी है और कुछ शक्कर है, ये है, और ये मैक्स फ्रेश है, और ये तो तिरपाल रही है भाई, लिए हैं वहाँ से। पेटीएम करो बोल दिया, पेटीएम करो, कर दिए पेटीएम, अच्छा लगा भाई, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम रेडी हो चुके हैं, और ये आश्रम था, यहाँ पर रुके हुए थे, अब जा रहे हैं, हमें अभी कम से कम 33 किलोमीटर गौरीकुंड तक जाना है। तो अभी रेडी हो चुके हैं, मार्केटिंग वगैरह शेयर किए, वहाँ कुछ सामान लिए, तिरपाल वगैरह नहीं था मेरे पास, और भी खाने पीने की आइटम लिए, और ये सब लोग हैं साथ में, और ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत अच्छा लगा। और रात में साथ में रुके, साथ में ही अब जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ, चारों धाम यात्रा करना है दोनों भाई लोगों के साथ। और ये मुसाफिर साइकिल वाले हैं भैया, है ना, इनको भी कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो, और ये भी हाँ रिक्वेस्ट है हमारा, तो जल्दी से करा दो, इनका भी थोड़ा अच्छा है, घूम रहे हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और वैसे तो आप जानते हैं वीडियो बनाना और यूट्यूब में डालना अपलोड करना घूमना फिरना लोकेशन दिखाना कितना कठिन है, तो आप उस स्थिति को जान रहे हैं, हम लोग अब क्या बताएं, ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो ठीक है निकल रहे हैं, हर हर महादेव, आपको गौरीकुंड ऐसे लोकेशन अपडेट कराते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुखी रहो, घर पे आनंद से रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, और बड़े का नाम जपते रहो। अभी यात्रा करके लौट आए, एमपी से।
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हाँ ये लो हाँ साइकिल ट्रैक भाई कौन सा चैनल है आपका आनंद ट्रेवल ब्लॉग आनंद ट्रेवल ब्लॉग चलिए अच्छा लगा थैंक यू हर हर महादेव से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ रास्ते पे वाटरफॉल है और बहुत ऊपर से गिर रहा है वो ऊपर जो है पूरा वहाँ से पूरा गिर रहा है देख सकते हैं सभी लोग आनंद ले रहे हैं इस तरह से पूरे हर हर बोले बहुत मज़ा आ रहा है भाई मैं भी मेरा भी मन कर रहा है नहाने का लेकिन नहाऊंगा नहीं अभी और देखो सब लोग नहा रहे हैं और ये मेरे साथी हैं मुसाफिर साइकिल वाले भैया और बहुत मज़ा आ रहा है देख रहे हो वाटरफॉल कितना बड़ा है तो हाँ इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।